तो आइए दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं तो दोस्तों मैं राहुल धाकड़ लेकर आ गया हूं बाबा गैंग पर आपके लिए क्लास टेंथ का कंप्लीट सिलेबस। और आज का टॉपिक है हमारा पॉलीनोमियल। बुक के हिसाब से ये टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 2 में आता है। तो शुरू करते हैं पॉलीनोमियल। तो दोस्तों बाबा गैंग के इस वीडियो का एम ये है कि आपको हर टॉपिक अच्छे से आए। और ये मेरी गारंटी है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं कि मेरी कॉपी के बाहर ना आज तक क्वेश्चन आया है ना आएगा। वैसे ही जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने वाला हूं, जो आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसके बाहर आपके स्कूल में कभी भी कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछ सकता। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने वीडियोज आपको मिलने वाले सब कुछ देखकर आपको एग्जाम देना है। मैं आपको शीट्स प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस से 100% लाने की गारंटी दे रहा हूं मैं। यहां पर हम डील करने वाले हैं इन सारे टॉपिक से। ये आपके कंटेंट रहेगा इस चैप्टर का, बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन मैं इतने इजीली कराऊंगा आप लोगों को कि आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से जिसका नाम है पॉलीनोमियल। असल में हमको जानना है कि पॉलीनोमियल होता क्या है। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की बात करने पर आपने 9th क्लास में अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो बता दूं, इसको हम डिनोट करते हैं p ऑफ x से। इसको हम कैसे बोलते हैं, p ऑफ x, या फिर g ऑफ x बोल सकते हैं, या फिर q ऑफ x बोल सकते हैं, f ऑफ x बोल सकते हैं, कोई भी एक नाम आप दे सकते हैं। और पूरी इक्वेशन क्योंकि आपकी x के टर्म में रहने वाली है तो आपने x ले लिया यहां पे अंदर। जनरल फॉर्म लिखने पर यह आएगा। तो इस तरह से आप इस पॉलीनोमियल का जनरल फॉर्म देख सकते हैं। यहां पर a की n क्या है, ये x की पावर n का कोएफिशिएंट है। यहां पे an माइनस 1 क्या है, ये x की पावर n माइनस 1 का कोएफिशिएंट है। an माइनस 2 क्या है, ये x की पावर n माइनस 2 का कोएफिशिएंट है। एंड सो ऑन, जाते जाते ये a की पावर गिरती जाएगी, ये x की पावर भी गिरती जाएगी और आखिरी में x की पावर बचेगी x की पावर 0 और यहां पर कोएफिशिएंट रहेगा उसका a 0। जी हाँ दोस्तों, यहां पर n जो रहता है वो होता है हाईएस्ट पावर, और हाईएस्ट पावर को ही हम बोलते हैं डिग्री। जी हाँ, यहां पर डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलीनोमियल। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बात करते हैं डिग्री की तो इस डिग्री के अकॉर्डिंग आपको बहुत तरह के पॉलीनोमियल मिलते जाते हैं। जी हाँ, अगर डिग्री आपकी 5 है तो इसको कहेंगे आप 5 डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल। अगर आपकी डिग्री हाईएस्ट पावर 6 है तो आप बोलेंगे 6 डिग्री पॉलीनोमियल। वैसे ही मैं आपको एग्जाम्पल देकर इनके नाम बता रहा हूं, क्या नाम होता है ऐसा। अगर बात करें 0 डिग्री पॉलीनोमियल की, इसका मतलब ए एक्स टू दी पावर 0 कुछ ऐसे आने वाला है। और x की पावर 0 क्या होती है दोस्तों, जी हाँ, x की पावर 0 होती है 1, तो आपका आएगा आंसर a। या फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं 6 असल में है क्या, 6 असल में 0 डिग्री पॉलीनोमियल है। तो यहां पर आप 6 x की पावर 0 लिख देंगे तब भी सही है। 6 x की पावर 0 मतलब एक 0 डिग्री पॉलीनोमियल जिसको हम कहते हैं। जी हाँ, 0 डिग्री पॉलीनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। वहीं अगर हम बात करें 1 डिग्री पॉलीनोमियल की, जैसे कि ax प्लस बी, क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, जी हाँ 1, x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये हो गया आपका 1 डिग्री पॉलीनोमियल। और उसको प्यार से बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलीनोमियल। 0 डिग्री पर कांस्टेंट, 1 डिग्री पर लीनियर, 2 डिग्री पॉलीनोमियल इसको क्या बोलेंगे, जी हाँ आपने इसको कई बार देखा है, इसको आपने मिडिल टर्म स्प्लिट किया है कई बार, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। वैसे ही 3 डिग्री क्यूबिक, 4 डिग्री बाइक्वाड्रेटिक, 5 डिग्री क्विंटिक,
इस तरह से आप जितनी डिग्री बढ़ाते जाएंगे सबके नाम होते हैं, हेक्सिक, हैप्टिक, ऑक्टिक, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ना कि आपको याद करने की जरूरत है। ये सिर्फ समझाने वाली बात थी कि किस तरह से डिग्री बढ़ाने पर उस पॉलीनोमियल का एक स्पेसिफिक नाम आ जाता है जो कि आप ऑलरेडी जानते थे। यहां पर एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, जरूरी नहीं है कि अगर मेरे पास 3 डिग्री पॉलीनोमियल है तो उसके पास ये सारी की सारी 4 टर्म हो। अगर इन जनरल मैं 3 की पावर x के इस तरह से भी लिख दूं 3x³ और बाकी इसके पास दूसरी टर्म नहीं है, तब भी ये 3x³ इंडिविजुअली भी एक क्यूबिक पॉलीनोमियल है। अगर मैं लिख दूं यहां पर 2x² तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, इसके पास 3x+5 होने की जरूरत नहीं है। जी हां, जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है वही होती है आपकी डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा दूसरा पार्ट जो कि है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूरे चैप्टर में आपके पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस होते क्या हैं? नाम से समझ में आ रहा है कि जीरो मतलब एक एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर, एक्स की जगह डालने पर इक्वेशन में जीरो आ जाए। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स विच गिव्स जीरो ऑन सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, ax + b = 0, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। यहां पर x की क्या वैल्यू डाल दूं कि = 0 आ जाए, तो मैं यहीं से वैल्यू निकालूंगा और यहीं पे आपको डालकर दिखाऊंगा। b को यहां भेज देता हूं तो यहां पर आएगा -b, और इस a को, जो इस a को यहां भेजो डिनोमिनेटर में, तो आपके पास आएगा a। तो x की क्या वैल्यू आई? -b/a, तो ये आपका जीरो हुआ, क्योंकि अब मैं जब यहां पर इस x की जगह ये -b/a डालूंगा तो आपको =0 मिलेगा। देखते हैं कैसे, x की जगह -b/a प्लस बी, ये ए इस ए से कैंसिल, बचा क्या -b + b, ये दोनों कटने के बाद क्या आएंगे, जीरो ही आएगा। जी हाँ, वैसे ही अगर मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, 3x + 2 = 0, यहां पर x की क्या वैल्यू डाल दूं कि 0 आ जाए, यहां पर आपने 2 को इस तरफ भेज दिया और 3 को नीचे भेज दिया, तो x की वैल्यू आई, डाल के देखता हूं क्या 0 आ रहा है। जी हाँ, 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 = 0, इसका मतलब x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको x की जगह अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो 0 आना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन में आपने ये देखा कि आपके पास ये भी 1 डिग्री इक्वेशन थी, ये भी 1 डिग्री इक्वेशन थी, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन थी, ये भी लीनियर इक्वेशन थी, और इन दोनों में आपके पास x की एक ऐसी वैल्यू आई। जी हाँ दोस्तों, दोबारा बोल रहा हूं, x की एक ऐसी वैल्यू आई जिसको डालने पर ही 0 आए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस -2/3 के अलावा आप कोई और वैल्यू नहीं ढूंढ सकते जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 आ जाए। जी हां, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, कि जब मैं बात करता हूं जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल की, आपको ये समझ में आ गया कि इस -2/3 को डालने पर और इस -b/a को डालने पर इस लीनियर पॉलीनोमियल में 0 आंसर आ रहा है। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये अगर 0 है तो एक अकेली वैल्यू है जिसको डालने पर 0 मिल रहा है, इसके अलावा आपको और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसको डालने पर 0 आएगा। वैसे ही अगर मैं 2 डिग्री पॉलीनोमियल लेता हूं तो मुझे x की ऐसी 2 वैल्यू मिलेंगी जिसको डालने पर 0 आएगा। जी हां, एग्जैक्टली 2 वैल्यू, 1 डिग्री में एग्जैक्टली 1 वैल्यू, 2 डिग्री में एग्जैक्टली 2 वैल्यूज, 3 डिग्री में 3 वैल्यूज, 5 डिग्री में 5 वैल्यूज। तो जितनी वैल्यूज आपकी रहेंगी वो रहेंगी प्रोपोर्शनल किसके, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल के, ना उससे एक कम ना एक ज्यादा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं 2 डिग्री पॉलीनोमियल का। अगर मैं बात करूं एक 2 डिग्री पॉलीनोमियल की, यहां पर आपके सामने एक 2 डिग्री पॉलीनोमियल है, पहले मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं और फिर आपको डाल के दिखाता हूं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से वैल्यू निकलेगी इसकी। यहां पर आप देखिए x की 2 वैल्यू आने वाली है, पहली वैल्यू रहेगी आपकी x = -3, दूसरी वैल्यू आएगी x = -2, क्योंकि इंडिविजुअली दोनों के दोनों प्रोडक्ट =0 है, तो इंडिविजुअली भी आपको 0 देंगे। तो x + 3 = 0 से वैल्यू x = -3, x + 2 से वैल्यू है हमारी x = -2। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं डाल के देखता हूं यहां पर क्या 0 आ रहा है। आपने देखा कि किस तरह से आपके पास यहां पर 0 वैल्यू आई। वैसे ही अगर मैं -2 डालता हूं,
यहां पर भी 10 - 10 = 0, तो ये दो पर्टिकुलर वैल्यू है जिनको सब्स्टिट्यूट करने पर 0 है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस -3 और -2 के अलावा आप कोई तीसरी एक भी ऐसी वैल्यू निकाल नहीं पाओगे जिसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करने पे आपको 0 मिल जाए। जी हाँ, मैंने जैसे कि समझाया आप लोगों को, 2 डिग्री पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 2 जीरोस, 3 डिग्री पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 3 जीरोस, 5 डिग्री पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 5 जीरोस, ये बात आपको याद रखनी है। तो एक बात मैं स्टेट कर सकता हूं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। जितनी डिग्री ऑफ इक्वेशन रहेगी, 5 डिग्री ऑफ इक्वेशन रहेगी तो 5 जीरो, 6 डिग्री ऑफ इक्वेशन रहेगी तो 6 जीरो। वैसे इस चैप्टर में आपके पास मैक्सिमम 2 डिग्री और 3 डिग्री आने वाले हैं, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब 2 जीरोस, 3 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब 3 जीरोस। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो जो चीज मैं करवाते जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए प्लीज, क्योंकि अब आपको किसी कोचिंग की या किसी और टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्कूल में समझ में नहीं आया या कोचिंग में समझ में नहीं आया तो टेंशन की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पर आपको 100% स्कोर करवाने के लिए। तो नोट करते जाइए अच्छे से और डिस्क्रिप्शन में दी हुई शीट भी सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, जहां पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। तो किस तरह से लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ये पूरा आपको यहां से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि इफ 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल दी है जिसका नाम हमने p ऑफ x रख दिया है, उसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है। आपको अगर 0 की वैल्यू दी है तो इसका मतलब यह कि आपको x की वैल्यू दी है, क्योंकि 0 क्या होता है, अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x विच गिव्स 0 ऑन सब्स्टिट्यूशन। तो लिखना किस तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास पॉलिनोमियल px है तो आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि जब x की जगह मैं 2 डाल देता हूं, मतलब x की जगह मैं 2 का सब्स्टिट्यूशन करता हूं, तो मुझे 0 मिलना चाहिए। तो p ऑफ x की जगह मैं क्या ले दूं, p ऑफ 2, क्योंकि x को रिप्लेस कर रहे हैं आप किससे, 2 से। तो इस तरह आप दिखाएंगे क्वेश्चन में, सिंस ये सिंस का साइन होता है, p ऑफ 2, p ऑफ x लिखा हुआ था यहां पे, x को हम 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो p ऑफ 2 डालने पर 0 आता है, क्योंकि ये 0 है, ये वैल्यू डालने पर 0 देगा, इसलिए आपने p ऑफ 2 इक्वल टू 0 लिख दिया। तो अब यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, देखते हैं कैसे। इस इक्वेशन में x की जगह क्या आएगा, 2, यहां पर भी x की जगह 2, -5a = 0, क्योंकि ये इक्वेशन जीरोस की है, सब्स्टिट्यूट करने पर 0 देने वाली है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप गलती ना करो एक भी। इस वैल्यू को सॉल्व करने पर क्या आया, a = 4, 20/5, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई 4। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल दी हुई है, इज -3, तो हम नाम दे दे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सपोज p ऑफ x नाम दे दिया आपने, यहां पर p of x दिया है तो आपने x की जगह क्या डालना है, -3। जिस तरह से इस क्वेश्चन में आपने p of 2 equal to 0 लिखा था, यहां पर भी आपको p of -3 equal to 0 लिखना पड़ेगा, सिंस इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ जाता है चेकर को कि आपने रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लिख दी है, कि आपके पास ये एक 0 दिया हुआ है तो उसको आपने डालने पर 0 लिख दिया है, तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पहुंच गई है। अब आप x की जगह वैल्यू डालते आइए और इज इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। आपने देखा होगा मैं हर वैल्यू डालने पर एक प्रॉपर ब्रैकेट लगाता हूं, ये ब्रैकेट आपको भी लगाना दोस्तों। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन टिपिकल होते जाएंगे इन ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी। मैथमेटिक्स जो है पूरा लॉजिक वाला एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस दिखानी पड़ती है, उसी तरह यहां पर ब्रैकेट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -3 का स्क्वायर + 9, यहां पर वैल्यू अंदर गई, -3 * a, -3a +1 = 0। जी हां, अब इस 9 को ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे, 9a - 3a = 6a - 9 + 1 = a
is equal to 4 by 3. तो इस तरह से आपके पास a की वैल्यू आ गई है. इसको नोट कर लीजिए ताकि हम लोगों को एग्जाम में गलती ना करनी पड़े. Thank you.